ना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बन गया, उनसे आज का ट्रेड सेटअप समझ लेते हैं, मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो समझ लेते हैं। मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड यूएस मार्केट से कल निकल कर आया, खुले ऊपर फिर दोबारा नीचे, लेकिन अब यूएस फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं और नंबर्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स वहां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स कहीं से भी सपोर्ट नहीं दे पा रही है मार्केट्स को। मार्केट का सेल ऑफ, यूएस मार्केट्स का सेल ऑफ अब भी जारी है, आपका क्या टेक है इस पर? प्रियंका देखिए, मार्केट में को मार पड़ी है और यूएस मार्केट और ग्लोबली मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखें तो उनको इस समय जो मार पड़ी है वो इंडियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। तो इंडिया इस मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है। आप क्यों आउट परफॉर्म कर रहे हैं? आप इसलिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स जो आ रही हैं, जो अब तक हमने अर्निंग्स देखी हैं, जो आने वाली हैं, FY23 के जो प्रोजेक्शंस हैं, अगर आप भारत सरकार की बैलेंस शीट देखें, कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट देखें, अगर आप एक एवरेज अर्बन इंडियन की बैलेंस शीट देखें, तो उनके अंदर एक बात तो जाहिर है कि आने वाले समय में बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो जो बिग पिक्चर है जो इकॉनमी रिलेटेड है वह चेंज नहीं होती है और इसीलिए शायद आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मगर जी साहब, अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरेंगे और धराशायी होंगे तो आपको भी खरोच आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप उत्तर जाएं और दक्षिण जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके ऊपर से FII की सेलिंग आ रही है। FII की जो सेलिंग है इस समय ज़बरदस्त आ रही है। पिछली बार मुझे याद नहीं है कि एक दिन में 6-6 हज़ार करोड़ के नंबर कब आए थे, और आए थे तो ये आए थे 2020 के आसपास, 2008 के आसपास, 2013 के आसपास। हिस्टोरिकली जब भी भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर FII सेलिंग आई है और आपने उस पैनिक में भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश करा है तो आपने हमेशा लंबी अवधि में पैसा बनाया है। ये मैं एक्सपीरियंस और तजुर्बे से कह रहा हूँ। ये डेटा हम एक दो दिन में दिखाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि अगर FII सेलिंग जब ज़्यादा होती है और आपने अगर शेयर बाज़ार में निवेश करा है तो आपने हमेशा पैसा बनाया है। अगर मार्केट में आप देखें तो इस समय कल इतने हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में इस समय वॉलीटिलिटी है। जी हाँ, वॉलीटिलिटी है, मगर स्पेसिफिक सेक्टर्स वापस आ रहे हैं। PSU बैंक्स में कल तेज़ी देखने को मिली थी। हमने देखा था कि कुछ इंडस्ट्रियल्स और साइक्लिकल स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो इस समय मार्केट के अंदर एक कंपल्शन हो रहा है प्रियंका, कंपल्शन ये हो रहा है जी। आप पहले सोचते थे फिर आप बेचते थे, अभी आप बेच रहे हो फिर आप सोच रहे हो। अगर कंपल्शन आ जाता है जो कि टेक्निकल और मोमेंटम रिलेटेड है, मशीन रिलेटेड है, लेवल्स रिलेटेड है, तो बहुत मुश्किल होता है इस समय शेयर बाज़ार के अंदर अपनी फिंगर और पल्स रखना। हम कई महीनों से, कई हफ्तों से इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि क्यों बैंक निफ्टी में नज़र रखनी चाहिए और इस पूरे फॉल में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। मैं फिर से बोलूँगा कि महंगे पी स्टॉक्स मत लीजिए। FII उनको बेच रहे हैं, उन स्टॉक्स में डी रेटिंग हो रही है, उन स्टॉक्स के अंदर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं पी कंप्रेशन हो रहा है। तो जो अच्छी कंपनियां हैं जो 50, 60, 70, 80 के पी मल्टीपल्स में ट्रेड करती थी, मुझे लगता है नियर टर्म उन कंपनियों के लिए, उन स्टॉक्स के लिए अभी चैलेंज है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आपने ग्लोबल संकेतों की और FIIs की बात की है। इस बीच जो हमारे डोमेस्टिक इवेंट हैं जिसमें कि नतीजे अब काफ़ी आने शुरू हो चुके हैं और आज निफ्टी के ही करीब 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे। इसमें जो बड़े अपने अपने सेक्टर्स के दिग्गज कंपनियां हैं वो आज अपने नंबर्स घोषित करेंगे। ऑफकोर्स कुछ नतीजे मार्केट बंद होने के बाद भी आएंगे, लेकिन आज ये सारी कंपनियां बाजार की चाल क्या बाजार को कुछ संभाल सकती हैं जिसको कि हम गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकों के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, कुछ चुनिंदा सिप्ला फार्मा कंपनी भी हैं जिनकी तरफ से हम अच्छे नतीजे देख रहे हैं, तो क्या इससे कुछ बाजार को सहारा मिल सकता है? पूजा देखिए, एग्रीगेट सेलिंग जो आ रही है वह 4 या 5 कंपनियों की वजह से उनके अंदर रुख नहीं बदलने वाला है। रिलायंस के नतीजे बुरे नहीं थे, IT कंपनी से नतीजे बुरे नहीं थे, बैंक से नतीजे बुरे नहीं थे, फिर भी यह सारे के सारे स्टॉक्स और सारे के सारे सेक्टर गिरे हैं। हम एक तकनीकी और एक मोमेंटम, मार्केट का मोमेंटम बदल चुका है और क्योंकि अब एल्गोरिथम ट्रेड्स काफ़ी होती हैं उसकी वजह से मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक टेक्निकल वीकनेस ज़्यादा आ चुकी है, एक प्रकार का लिक्विडिटी रिवर्सल आ चुका है। ये परमानेंट नहीं रहेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। यह हो सकता है बजट के आसपास रुक जाए। अगर आपके पास कैश है तो आप ये बोलेंगे जी देखिए
एक इवेंट रिस्क फेड का ख़त्म हो गया, बजट का एक इवेंट रिस्क आने वाला है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। 4-5 दिन वेट करने में अगर मार्केट हम बजट के बाद लेते हैं तो हमें कम से कम बजट का एक इवेंट रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो एक मार्केट के अंदर एक ये शायद सही साइकोलॉजिकली सही अप्रोच भी है, मगर अगर आप बाउंस की बात करें तो मुझे लगता है दैट लार्ज कैप टेक इज़ गेटिंग रेडी फॉर बाउंस। यह स्टॉक्स गिर चुके हैं, इनके अंदर अर्निंग्स की समस्या नहीं है, इनके अंदर कैश जनरेट होता है, इनके अंदर रुपी का बेनिफिट मिलेगा। अगर ग्लोबली शेयर बाज़ार और धराशायी होते हैं तो जाहिर है करेंसी पे भी प्रेशर आएगा, FII आउटफ्लोस चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है दैट लार्ज कैप IT स्टॉक्स HCL टेक, जिसके अंदर प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाई है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, विप्रो जो नतीजों के बाद गिर चुका था, इन्फोसिस 27-28 टाइम FY22 पर ट्रेड कर रहा है, अगर आप इन बड़े स्टॉक्स पे नज़र रखें जो लार्ज कैप IT है, मुझे लगता है कि उनके अंदर एक प्रकार का तकनीकी बाउंस आ सकता है। मेरा यह भी मानना है कि इस समय आपको हाई पी स्टॉक्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, हाई पी स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए, और शायद शेयर बाज़ार में हमें दिख रहा है ये। अब देखिए एशियन पेंट्स में अंडर परफॉर्मेंस आ रही है, पिडिलाइट में अंडर परफॉर्मेंस आ रही है, टाइटन में अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। तो अगर आप बाउंस के लिए खेल रहे हैं तो मेरा मानना है दैट लार्ज कैप IT कंपनीज, स्पेशली द ट्रेडिशनल IT कंपनीज, जिनका कंपैरिजन US IT स्टॉक से नहीं हो सकता है, गलती ना करें, नैसडैक गिर रहा है तो इन्फोसिस नहीं गिरना चाहिए, मगर इसलिए गिर रहा है बिकॉज सेंटिमेंट वीक हो चुके हैं। तो जब नैसडैक थोड़ा भी स्टेबल होगा इन स्टॉक्स के अंदर एक तकनीकी बाउंस ज़रूर आएगा। ठीक है निकुंज, बहुत शुक्रिया। आप जब से शो में आए और बोल रहे थे तब से ही ना SGX निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में आ गया। हम तो चाहते हैं कि आप थोड़ी देर और बैठे रहें और मार्केट भी खुल जाए इस बीच, तो बढ़िया ही रहेगा। तब SGX निफ्टी कई दिनों बाद हमको हरे निशान में दिख रहा ओपनिंग में। एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी कि मार्केट के अंदर अभी क्या ना बजट जैसा इवेंट भी है, अर्निंग्स भी चल रही है सर, ये जो डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? क्योंकि हो कह रहा है ना, मैं ये थोड़ा मजार से हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा एकेडमिक्स क्वेश्चन है, बड़े जरूरी जरूर है इस समय कि कैसे डिसिप्लिन के साथ अभी ट्रेड करें। जैसे अभी आप बता रहे थे कि IT के अंदर पुल बैक आ सकता है, थोड़े बैंक आप रख लीजिए, और कैसे कैसे जगह पर हमको ध्यान रखना है, कहाँ से भी फिलहाल अभी दूर रहना है, ये थोड़ा गाइड कर दीजिए 15-20 दिन के लिए कम से कम हमको। देखिए मैं सिर्फ अनुभव और जो लोगों से बात करके जो मुझे समझ में आ रहा है वह मैं दोबारा बोलूँगा कि शेयर बाज़ार के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो आपको निवेशक के जैसे सोचना पड़ेगा, निवेशक को क्या करना चाहिए, अच्छे दिनों में बेचना चाहिए, बुरे दिनों में खरीदना चाहिए। अच्छी न्यूज़ और अच्छी खबर कभी साथ नहीं आती है। डिम्पी दोबारा बोलें ज़रा इस बात को मेरे साथ, क्योंकि हम अकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो अकेडमिक्स की तरह से आज बात करते हैं। गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस नेवर कम टुगेदर, बोलिए डिम्पी जरा मेरे साथ। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं डिम्पी। नहीं डिम्पी बोलना नहीं चाहते, गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस दे डोंट कम टुगेदर। तो अभी बैड न्यूज़ है, गुड प्राइसेस आ रहे हैं, तो निवेशकों को और जो लंबी अवधि का सोचना चाहते हैं उनको तो इस समय खरीदना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग इज़ मोमेंटम, अगर मोमेंटम किसी शेयर में रिवर्स हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये भावनाओं से देखिए शेयर बाज़ार में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर गिर गया है और नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई शेयर 20% नीचे गिर गया जी 25 नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है डिम्पी। ये भावना होती है, ये आपका व्यू होता है, मार्केट का व्यू नहीं होता है। आप मार्केट में जब ही विजेता बनेंगे जब या तो आप निवेशक के जैसे सोचें कि भाई जब सोना चांदी के भाव में मिलता है तो ले लेना चाहिए, और जब मार्केट स्टेबल होगा, री रेटिंग होगी, अर्निंग्स वापस आएंगी, वो शेयर ऊपर उठ जाएंगे। तो एक तो ये रणनीति होगी। दूसरी रणनीति, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग अगर मोमेंटम बदल गया है, अगर IT में मोमेंटम बदल गया है, अगर मेटल्स में मोमेंटम बदल गया है, अगर इंटरनेट कंपनीज में मोमेंटम बदल गया है, तो आपको भावनाओं के अंदर नहीं रहना चाहिए, स्टॉप लॉस ऑनर करके आपको चले जाना चाहिए। बिकॉज जो गिरा है और गिर सकता है, और गिरने के बाद और भी गिर सकता है, प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास शेयर रह जाएंगे, फिर आपको लगेगा जी आपके ही शेयर गिर रहे हैं, बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करी। तो शेयर बाजार
जो है भावनाओं पे नहीं चलता है, शेयर बाजार एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं चलता है, शेयर बाजार के अंदर एक रणनीति बनानी पड़ती है। अगर आप निवेशक हैं तो आपको लेना पड़ेगा इस समय, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर मोमेंटम रिवर्स हो चुका है, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ सब बता रहे हैं कि जिन जिन शेयर्स के अंदर स्टॉप लॉस आपका लग चुका है आपको ऑनर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। पर मैं फिर बोलूँगा डिम्पी, जो मैंने इतने सालों में लोगों से बात करके एज एन मार्केट कमेंटेटर सीखा है, दैट गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस नेवर कम टुगेदर। राइट नाउ न्यूज़ इज बैड बट सिलेक्टिवली प्राइस इज गेटिंग गुड। इंटरेस्टिंग।